राजस्थान के राजसमंद जिले की ये खूबसूरत ग्राम पंचायत है पिपलांत्री। यही पिपलांत्री पालीवाल जी का कर्म क्षेत्र भी है, उनका अतीत और भविष्य भी। 2005 में जब मैं यहाँ का सरपंच बना था तो बहुत सारी समस्याएं थी। पानी की समस्याएं बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी कि माइनिंग इस एरिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन मार्बल का यहाँ पर होता है, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। एक तो ब्लास्टिंग हुई, ब्लास्टिंग से पानी दूषित हुआ, दूसरा माइनिंग हुई। कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ माइनिंग होती है, जहाँ खनन कार्य होता है, वहाँ किस तरह के नुकसान हुए होंगे। पिपलांत्री के बदलाव की कहानी दरअसल बेटी के जन्म पर वृक्ष लगाने और उन्हें बचाने की अनूठी सोच से शुरू हुई। हर लड़की के जन्म में 121 पौधे, जो अपनी मर्जी से 111 पौधे लगाए जाते हैं यहाँ पर। जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, हम लोगों की आस्था से किसी काम को नहीं जोड़ेंगे, मैं ये मानता हूँ कभी सफल नहीं हो सकता है। धार्मिक व्यवस्थाओं से उस काम को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर उस पर सफलता मिलेगी। ये काम हमने किया है पिपलांत्री के लोगों के साथ मिलकर। सामाजिक बदल जो है वो सामाजिक बदल पैसे से नहीं होता, लीडरशिप जरूरी है। और पिपलांत्री में लीडरशिप मिल गया, इसलिए सोशल चेंज हो रहा है। जिस तरह से वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ को जोड़कर ये जो कार्य कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, ये एक उदाहरण है पूरे विश्व के लिए। श्याम सुंदर का जो बड़ा गुण है वो एक ब्रिज बनाने का है, पुल बनाने का है। और उसी गुण के कारण, उसके अंदर का जो वो गुण था, उसी गुण के कारण शुरू से लेके आज तक वो सरकारों की सारी योजनाओं से काम करता रहा। अभी तो सरपंच नहीं है, अभी भी कर रहा है। पिपलांत्री की लोकेशन इस तरह की है कि आसपास में पूरा जो एरिया है वो मार्बल की माइन से भरा हुआ है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी विकट स्थितियों में मैं कहना चाहूँगी कि पिपलांत्री ग्राम पंचायत ने अपने मेहनत से लोगों को जागरूक करके इस तरह के कार्य वहाँ किए हैं जो वाकई में अनुकरणीय हैं। कोई सरपंच या फिर कोई वहाँ का सचिव ये ठान लेता है कि उसको कुछ परिवर्तन ला के दिखाना है, तो हमारे पास जो पिपलांत्री जैसे मॉडल बने। श्याम सुंदर पालीवाल जी ने अपने गांव में जो काम किया, ये हर गांव में होना जरूरी है। आत्मनिर्भर गांव, और आत्मनिर्भर गांव जब बनेगा तो आत्मनिर्भर देश खड़ा हो जाएगा। शिक्षा, चिकित्सा, किसानों को आत्मनिर्भर कर और बेटियों का सम्मान करके हम प्रकृति की ओर चलकर लोगों के चेहरों पर जिस दिन खुशी ला पाएंगे, उस दिन हम कह पाएंगे ई है इंडिया।